हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? अमूल पेट पर सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसमलाई बाइट्स। रक्षाबंधन पास आ रही है, इसलिए भाई को खिलाने के लिए हम ये बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। जुड़ गए, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करें। सबसे पहले अमूल का क्रीम लेंगे। अमूल क्रीम थोड़ा सा वार्म होता है, तब तक हमें और इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। अमूल का पनीर लिया है, काजू का पाउडर है, बादाम का पाउडर है, पिस्ता पाउडर है, केसर दूध में भिगा के रखा है, रसमलाई का एसेंस रखा है, और हम लेंगे अमूल का मिठाई मेट, थोड़ा क्रीम वार्म हो गया। तब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम अमूल का पनीर जो हमें क्रश कर लिया है, उसको मिक्स करेंगे। धीमी आंच पे करना है। हमने अमूल का क्रीम लगभग 150 ग्राम लिया था और 100 ग्राम लिया पनीर। को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। क्वांटिटी ऑफ क्रीम क्रीम की क्वांटिटी है 150 ग्राम और पनीर की क्वांटिटी है 100 ग्राम। ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक बॉईल आ जाए, तब तक हमें अच्छे से और हिलाना है। इसके बाद हमें डालना है अमूल का मिठाई में, वे लगभग 200 ग्राम के करीब डलेगा। फिर जितना आपको स्वीट चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। कम स्वीट पसंद है तो आप कम डालोगे तो भी चलेगा। तो मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूअसली चलाते जाना है। अब
गाढ़ा हो जाए तब तक। अब इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूध जो हमने पहले से गर्म दूध में भिगा कर रखा था। अब इसमें 50 ग्राम काजू का पाउडर डालेंगे। और 25 ग्राम बादाम का पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये एकदम ठीक हो जाना चाहिए, मावे की तरह वो हो जाएगा और कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तब तक हमें इसे हिलाना, कंटिन्यूस चलाना ही है, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा। थोड़ा और स्लो कर लेना है गैस लास्ट में। एकदम इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। कोई प्रपोर्शन भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और अभी सब त्योहार की सीजन आ रही है तो उसमें भी आप बना के रख सकते हैं। यदि शाम को गेस्ट आ रहे हैं तो आप सुबह भी बनाकर रख दिया, इतना इजी होता है। मैं थोड़ा इलायची का पाउडर डालेंगे। और आधा चम्मच घी, हल्का घी है, थोड़ी सी शाइन आ जाएगी। इसमें और भी कोई ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, अखरोट है, किशमिश है। ये देखिए, ये इसने कढ़ाई छोड़ दी है और एकदम ठीक हो गया है। थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा क्योंकि इसके हमें पीसेस निकालने पीसेस निकालने हैं तो लूज होगा तो पीस बराबर से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा
अब हो गया है। अब इसको एक कांच की प्लेट में नीचे थोड़ा सा बादाम का पाउडर, काजू पाउडर और इलायची डाल देंगे। उसके बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। घी वाला चम्मच इसके ऊपर पिस्ता का पाउडर थोड़ा बारीक, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। इसमें चाहे तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। अभी ये गर्म है, इसको ठंडा होने देंगे। तब तक समय का पाबंदी है थोड़ी सी, समय के अनुसार हमें चलना है, इसलिए मैंने ये पीस रेडी करके रखे हैं जिसको हम सर्व करते हैं। ये तैयार है आप सबके लिए रसमलाई बाइट। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 150 ग्राम क्रीम, 100 ग्राम पनीर, 200 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क या मिठाई मेट अमूल का, और 50 ग्राम काजू पाउडर, 25 ग्राम बादाम का पाउडर, इलायची और रसमलाई का एसेंस, सब मिक्स करके आपको एकदम से ठीक होने तक, गाढ़ा होने तक उसको मिक्स करना है। उसके बाद उसको एक प्लेट में जमा देना है। जब वो ठंडा हो गया उसके बाद ऐसे पीस निकाल के आप सर्व कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो बोलिए, नहीं तो फिर अगली रेसिपी पूछी थी, राइटन रेसिपी है मैम? हाँ, रिटर्न रेसिपी मैं इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देती हूँ। रिटर्न रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के डालूंगी मैं। अभी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगली रेसिपी तक बाय बाय।